नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशों ने गति पकड़ ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा है। करीब 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच चुके हैं। यहां बता दें कि INS सुमेधा सूडान पोर्ट पर मौजूद है। जिद्दा में भारतीय एयरफोर्स के 2 C-130J एयरक्राफ्ट तैनात हैं। सूडान में करीब 300 भारतीय मौजूद हैं। और आइए हम सीधे चलते अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास, जो इस पर अधिक जानकारी देंगे। उमा, क्या स्थिति है इस समय, अपडेट क्या है जो भारतीयों को लाने की? जी देखिए निधि, 15 अप्रैल शनिवार को जब से गृहयुद्ध भड़का सूडान में, उसके बाद से ही भारत सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि वहाँ पे जितने भी भारतीय हैं उनको सुरक्षित वापस लाया जा सके। स्थिति वहाँ पे काफ़ी ख़राब है। गलियों में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रही है, एयर बॉम्बार्डमेंट हो रही है, अलग अलग इलाकों में, रिहायशी इलाकों में बमबारी हो रही है। इसलिए भारत ने पहले एक सलाह भी जारी किया कि जो लोग हैं भारतीय हैं वो अपने घरों में ही रहें, बाहर न निकलें। कई लेवल पर कोऑर्डिनेशन किया गया, UAE के साथ विदेश मंत्री ने बात की, वहाँ के विदेश मंत्री के साथ, सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ अपने विदेश मंत्री ने बात की, इसके अलावा UN जिसका कि जमीनी प्रेजेंस वहां ज्यादा है उनके साथ भी बात की, और साथ ही साथ सूडान की सेना और वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्स जो आपस में लड़ रही है उनके साथ भी अलग अलग स्तर पर बातचीत की गई। और इन सारे तालमेल का नतीजा ये हुआ है कि आज तकरीबन 500 भारतीय खतरे वाले इलाकों से निकलकर पोर्ट सूडान पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आपने बताया, वहां पर INS सुमेधा पहले से ही तैनात है। इसके अलावा जिद्दा में भारतीय एयरफोर्स के 2 विमान वहां पे तैयार हैं। तो अलग अलग रास्तों से, अलग अलग विकल्पों के जरिए भारतीयों को वापस लाने की तैयारी जो है वो की जा चुकी है और शुरुआत उसकी हो चुकी है। 3 से 4 हजार की तादाद बताई जा रही है। कई बहुत ऐसे इलाके में हैं जहां पे हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है, उनको अभी भी घरों में ही रहने को कहा गया है। और जो भारतीय दूतावास है, हालांकि भारतीय राजनयिक उसको खाली कर चुके हैं, वो एयरपोर्ट खार्तूम एयरपोर्ट के सामने है, लेकिन अलग अलग इलाकों में रहकर भारतीय राजनयिक इस पूरे कोऑर्डिनेशन को अंजाम दे रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम भारतीय जल्द ही स्वदेश लौट पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उमा इस जानकारी के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के केरल दौरे पर हैं। कोची में उन्होंने आज एक मेगा रोड शो किया। केरल के पारंपरिक पोशाक पहनकर प्रधानमंत्री ने शुरू में पैदल रोड शो किया। सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री को देखने भारी भीड़ थी। रोड शो के बाद द सेक्रेड हार्ट कॉलेज के युवा 2023 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वहां पर युवाओं को संबोधित भी किया। या उत्तर भारत के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन लोगों ने कि इस तरह से इस उत्तर भारत का कोई राज्य हो या फिर दक्षिण भारत का राज्य हो, बीजेपी सबके लिए संघर्ष करती रही हो। बीते तो वर्षों में केरला के युवाओं को नए अवसर देने के वो प्रयास नहीं हुए जो होने चाहिए थे। 2 तरह की आइडियोलॉजी के संघर्ष में केरल का बहुत नुकसान हो रहा है। यहां एक आइडियोलॉजी है जो अपनी पार्टी को केरला के हित से भी ऊपर समझती है, वहीं दूसरी एक और आइडियोलॉजी एक परिवार को हर चीज से ऊपर रखती है। ये दोनों मिलकर हिंसा को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। केरला के युवाओं को इन दोनों ही आइडियोलॉजी को परास्त करने के लिए मेहनत करनी है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री आज केरल में बिशप्स जो हैं यहां पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। 2024 से पहले क्रिश्चियन समुदाय के प्रति हाथ बढ़ाया जा रहा है। केरल में करीब 18% क्रिश्चियंस हैं और ऐसे में उत्तर पूर्व में मिली चुनावी सफलता के बाद बीजेपी यहां भी हाथ बढ़ा रही है। 3 हफ्तों में के भीतर क्रिश्चियंस लीडर्स से ये प्रधानमंत्री की दूसरी मुलाकात है। या उत्तर भारत के जो तो कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के प्रचार में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। राहुल गांधी भी कर्नाटक में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। आज हंगल में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कुछ चुनावी वायदे भी किए और कहा कि ये 4 वायदे तुरंत पूरे होंगे। हम कर्नाटक के गरीब कमजोर लोगों से 4 वायदे कर रहे हैं। पहला वायदा गृहलक्ष्मी, मतलब भरोसे गृहलक्ष्मी, 2000 रुपए हर महीने हर महिला को। दूसरा वायदा गृह ज्योति, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने। तीसरा वायदा अन्नभागिया, 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। और चौथा और सबसे जरूरी वायदा 3000 रुपए
हर महीने हर ग्रेजुएट को और 1500 रुपए हर महीने हर डिप्लोमा होल्डर को। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हुए हैं। आज वे तेजस्वी यादव के साथ कोलकाता पहुंचे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि कोई ईगो नहीं है, सब मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार से गैर बीजेपी दलों को कि पटना में एक बैठक बुलाने की अपील की। इसके बाद नीतीश कुमार लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मिले और इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात की। आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव बात हुई है, हम अपना ही कहें, बहुत अच्छा बात हुआ है। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था, अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिकाओं की सुनवाई के बीच केंद्र के बाद अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पास कर इसका विरोध किया है। आशीष भार्गव की रिपोर्ट देखिए। समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पास कर इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ये अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है जिसका देश में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर असर पड़ेगा। देश के 99.9% से अधिक लोग समलैंगिक विवाह का विरोध करते हैं। ये काम विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। भारत जैसे देश में ये सेम सेक्स मैरिज को, समलैंगिक विवाह को हम मान्यता नहीं दे सकते। इससे हमारे देश की, हमारे समाज की जो मूलभूत संरचना है उस पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आने वाला जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये हमारे सामाजिक और धार्मिक जो हमारी परंपराएं हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा आघात पहुंचेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में मामले में दखल न देने को कहा था। केंद्र का कहना है कि यह मामला संसद के अधिकार क्षेत्र का है, ना कि अदालत का। समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, ये भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ भी है, लिहाजा सारी याचिकाओं को खारिज किया जाए। हालांकि सुनवाई कर रहे 5 जजों के संविधान पीठ ने इसे ठुकरा दिया था। अब बार काउंसिल के प्रस्ताव को दबाव बनाने की कोशिश कहा जा सकता है। हालांकि जानकार कहते हैं कि BCI के प्रस्ताव से सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। जो बार काउंसिल की टिप्पणी है, मैं समझता हूँ वो जायज नहीं है। किसी भी पेंडिंग मैटर में बार काउंसिल की तरफ से टिप्पणी करना वो उचित नहीं है, क्योंकि बार सदस्य ही कोर्ट के सामने पक्ष और प्रतिपक्ष रखते हैं। मैं बार काउंसिल के इस मत से भी सहमत नहीं हूँ कि 99% लोग ऐसे सोचते हैं या वैसे सोचते हैं। चाहे 1% को भी कुछ क्षति पहुंचती है तो उन्हें कोर्ट में आने का पूरा हक है और कोर्ट में पूरी सुनवाई का हक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस की जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट से कहा गया हो कि ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसे मामले सुनते रहा है और फैसले भी देता रहा है। जाहिर है देश की सबसे बड़ी अदालत को ये पता है कि उसकी लक्ष्मण रेखा क्या है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। देश के जाने माने पहलवान जंतर मंतर पर फिर जुटे हुए हैं। पहलवान कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिज भूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 7 खिलाड़ियों ने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पुलिस उनके यौन उत्पीड़न की FIR तक लिखने को तैयार नहीं है। हालांकि उनके धरने के साथ साथ 2-3 बातें हुई। पहली बात ये कि जांच के लिए बनी ओवरसाइट कमेटी की सिफारिशें सामने आ गई। दूसरी बात ये कि ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव टाल दिए हैं। ओलंपिक संघ अब एक एडहॉक समिति बनाएगा जो 45 दिन में चुनाव कराएगी।
क्या महाराष्ट्र की राजनीति फिर करवट बदलने वाली है? क्या महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ने का अंदेशा है? बीते कुछ दिनों से एनसीपी नेताओं के आ रहे बयान तमाम अंदेशों को एक तरह से जन्म देते हैं, और अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बयान ने इन अंदेशों को और बड़ा बना दिया है। त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही, ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल? एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के इस बयान का क्या मतलब है? क्या वो इशारा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी का वजूद संकट में पड़ सकता है? कांग्रेस इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचती रही। वो क्यों इस तरह का वक्तव्य कल किया है? अब इनकी बात वही समझे। पवार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब शिवसेना नेता संजय राउत राज्य सरकार का डेथ वारंट निकलने की बात कर रहे हैं। सरकार टिकत नहीं, ये सरकार टिकेगी नहीं, इसका मृत्यु लेख लिखा जा चुका है, डेथ वारंट निकल चुका है, सिर्फ सही कौन और कब करेगा ये तय होना बाकी है। जवाब में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों के साथ अपना एक वीडियो ट्वीट कर संजय राउत का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। कहा राज्य में इन दिनों राजनीतिक कुश्ती चालू है। जसं कुस्तीमध्ये डोपिंग आलं, काही लोक नशा करून कुस्ती खेळायला लागले म्हणून त्यांना बाद केलं, आमच्या राजकारणातही अलीकडच्या काळामध्ये सकाळी 9 वाजता काही लोक नशा करून कुस्ती खेळायचा प्रयत्न करतात, पण नशा केलेल्या पहलवानांना कुस्तीतनं बादच व्हावं लागतं। जे असली मातीचे पहलवान असतात तेच कुस्त्या जिंकतात। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के जिन 16 विधायकों पर फैसला सुनाने वाली है उनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं। अब वो शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं। आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है, उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है, और उसको हमेशा जो कहते हैं उसे उसमें गंभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतना ही मैं कहूँगा, जिनको जो सोचना है समझना है वो समझ। बीते दिनों सुप्रिया सुले ने 2 धमाकों की बात की थी, फिर अजीत पवार 40 विधायकों के साथ खड़े हो गए और प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की तारीफ करने लगे। अब पवार का बयान क्या समझा जाए? शरद पवार महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वही अगर विपक्षी एकता पर सवाल उठाएं तो महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व खतरे में पड़ना लाजमी है। शरद पवार ने भी इस बात को समझ सफाई दी और कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, महाविकास आघाड़ी एकजुट है, लेकिन तब तक बीजेपी और शिवसेना इस राजनीतिक कुश्ती में अपना दांव खेल चुके थे। मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर और प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें कि दिल्ली मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को आज उस वक्त झटका लगा जब द्वारका सी सीट से उनकी पार्षद ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। दिल्ली मेयर का चुनाव 26 अप्रैल को होना है, जिसमें आपने मौजूदा मेयर शैली ओबेरॉय को उम्मीदवार बनाया है, और इस बीच एलजी ने पीठासीन अधिकारी के तौर पर आप पार्षद मुकेश गोयल के नाम की मंजूरी दे दी है। वो एमसीडी में सबसे सीनियर पार्षद हैं। देश के तालाबों, नालों, पोखरों और झीलों का हाल बुरा है। हर 6 महीने में एक झील, तालाब या पोखर सूख रहा है या फिर उपयोग के लायक नहीं बचा है। जल निकायों की स्थिति और उनके रखरखाव पर पहली राष्ट्रव्यापी गणना में ये बात सामने आई है। देखिए गाजियाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट। गाजियाबाद के अर्थला इलाके में इस जगह पर 1950 के सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक एक तालाब हुआ करता था, लेकिन आज यहां पर तालाब गायब हो चुका है। तालाब के एक हिस्से में लोगों ने घर बना लिए हैं, जबकि एक तरफ कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर बालूपुरा में मशहूर पक्का तालाब करीब 2 साल पहले पूरी तरह से सूख गया था। पिछले साल ट्यूबवेल से इसमें पानी भरा गया, लेकिन रखरखाव ठीक से ना हो पाने से लोगों के किसी काम का नहीं रह गया है। आज तालाब पर ताला लगा हुआ है। पहले तो सूखा था ये, हाँ।
पहले तो बिल्कुल सूखा था, बच्चे खेलते थे, सब बड़े बूढ़े बैठते थे, और ये जब से ये पानी भरा है और जब से दोनों में ताला लग चुका है। अरे ये गेट बंद कर रहा है चौकीदार के, पहले तो बैठ बैठ जाते थे, मतलब सही साफ सुथरा रहता था, अभी चौकीदार से ज्यादा वो गंदपना हो गया, क्यों पानी साफ सुथरा नहीं है, मच्छर हो चुके हैं। दरअसल जल निकायों की ये बदहाली देश के लगभग हर हिस्से में दिखती है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत की पहली देशव्यापी जल निकायों की गणना में ये खुलासा हुआ है कि देश में 24,24,540 जल निकायों में से 3,94,500 ऐसे हैं जो सूखने, निर्माण कार्य, गाद, खारेपन और कई अन्य कारणों से उपयोग के लायक नहीं बचे हैं। 38,496 जल निकाय ऐसे हैं जिनका अतिक्रमण किया गया है। इनमें से अधिकतर अतिक्रमित किए गए जल निकाय तालाब हैं, जिसके बाद टैंकों का नंबर है। देश में जल निकायों की पहली जनगणना रिपोर्ट में ये अहम खुलासा हुआ है कि रखरखाव में लापरवाही और अतिक्रमण की वजह से आज देश में हर 6 में से एक जल निकाय आम लोगों के उपयोग लायक नहीं बचे हैं। जाहिर है ये जनगणना रिपोर्ट सरकार के लिए एक चेतावनी है कि उसे देश में जल निकायों के संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर पहल करना होगा। देश में जल निकायों की बदहाली को लेकर पिछले कई दशकों से सवाल उठते रहे हैं। जल निकायों के पहले गणना ने एक बार फिर उनके पुनर्निर्माण और उनके रखरखाव में बदलाव का सवाल देश के सामने रखा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस गणना के नतीजों की समीक्षा के बाद केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में कितनी गंभीरता से पहल करती हैं। गाजियाबाद से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।